जिगरी, 200 ग्राम हरी मटर, 200 ग्राम पनीर मसाला, 2 प्याज छोटे छोटे टुकड़ा में काटा हुआ, धनिया, जीरा, गोल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, सूखी मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग, ये हमारे मसाला है। कढ़ाही में तेल 2 से 3 चम्मच हमने डाला है, आप कम भी डाल सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, पहले मैं 2 सूखी मिर्च को फ्राई कर लूँगी। मिर्च फ्राई हो गया है, अब उसे निकाल लेंगे। पहले पनीर को ब्राउन होने तक भूनेंगे। पनीर हल्का कलर चेंज हो गया है, अब उसे हम निकाल लेंगे। अब जीरा डालेंगे, जीरा हल्का कलर चेंज हो जाएगा तब उसमें छोटा टुकड़ा कटा हुआ जो प्याज हमने रखा था वो डालेंगे। 2 तेज़पत्ता डालें, उसके बाद प्याज डालें। इसे पकाएंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा तब फिर मसाला डालेंगे दोस्तों। चलिए जब तक प्याज भूनता है हम लोग मसाला पीस लें। जार में सब मसाला डाल के मिक्सर में पीस लें। प्याज भून गया है, अब उसमें पीसा हुआ पेस्ट यानी मसाला हम डाल रहे हैं। अब इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे। हल्दी डालें, मसाला भून रहा है दोस्तों। धीरे धीरे भूनेगा तो अच्छा टेस्ट आएगा, और इसे बराबर से चलाते रहें। मैंने अपने तरीका से बनाकर आपको दिखाया है, आप भी बनाएं। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें दोस्तों। मेरी अपनी रसोई में लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची हमने कलर के लिए डाला है। कढ़ाही में किनारे से मसाला छोड़ रहा है, मैंने यानी कि मसाला अब तैयार होने वाला है।
मसाला भुन जाएगा तब हरा मटर डालेंगे। जाड़ा में हरे मटर की पनीर की सब्जी का बात ही कुछ और है। ऐसे तो सालों भर बनता है लेकिन ठंड के मौसम में बहुत स्वादिष्ट लगता है ताजी ताजी मटर का सब्जी। नमक डालें स्वाद अनुसार। हमने अपनी सब्जी में टमाटर यूज नहीं किया है दोस्तों। कितना अच्छा कलर आया है। अब हम लोग मटर डाल देंगे। मटर डाल के 2-3 मिनट भूनेंगे। मसाला का कलर ही बता देता है सब्जी कैसे बनेगी। थोड़ा मसाला थोड़ा चिपकने लगा था इसलिए हमने थोड़ा पानी डाला। जहाँ मसाला चिपक जाएगी सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। मटर भी भून गया है। एक ग्लास पानी डाल दें। अगर चावल के साथ खाना है तो ग्रेवी तो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। अगर रोटी या पराठा साथ खाना है तब तो गाढ़ा थोड़ा रखना होगा। पनीर डाल दें और इसे थोड़ी देर के लिए इसे हम ढक देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। प्लीज़ दोस्तों कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें मेरी अपनी रसोई पर। मैं अब प्लेटिंग करूँगी।